नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स डे। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं IRFC स्टॉक के बारे में। जहां मार्केट के अंदर इतनी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वहीं ये स्टॉक एक प्राइस के बीच में ही कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। तो जानेंगे कि इस स्टॉक में शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्या टारगेट होना चाहिए और साथ में ही डिविडेंड और बोनस की भी डिस्कस करने वाले हैं। इस एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने अगर इस शेयर को होल्ड कर रखा है तो आपने डिविडेंड पाया क्या? अगर आपको डिविडेंड मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में ही क्या बोनस सच में मिलने वाला है? बोनस को लेकर के इस स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा हाइप बनाया जा रहा है कि 3:1, 2:1, 1:4, 1:5 ऐसे करके बोनसेस मिलने वाली है। लेकिन पर्सनली अब तक कुछ भी ऐसा ऑथेंटिकेट न्यूज मुझे नहीं मिला है जिससे कि ये ज्ञात हो कि सच में बोनस मिलने वाला है। तो अब तक का ये न्यूज रूमर ही है जो अमूमन आपको YouTube के थंबनेल पे देखने को मिल जाएगा। साथ में ही टेक्निकल इस स्टॉक को देखिए तो आप पाएंगे कि प्राइस नैरो रेंज प्राइस के बीच में ही ये स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इस स्टॉक के अंदर डिविडेंड देखने को मिल रहा है, वैसे अगले 6-7 साल में आपने जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस स्टॉक के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट तो आपका डिविडेंड से ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो भी इन्वेस्टमेंट या प्राइस ऊपर नीचे जाता है वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। शायद ऐसा कैलकुलेशन बहुत सारे आप में से व्यूअर होंगे जिनको पता नहीं होगा। हालांकि ये शेयर को हमने भी होल्ड कर रखा है, डिविडेंड मिला है, उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद ये ज्ञात हुआ है। टेक्निकली ये स्टॉक इस समय 50 डे मूविंग एवरेज के प्राइस पे ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है और पर्सनली मुझे लग रहा है कि एक सेफ ट्रेडिंग हो सकता है जहां रिस्क बहुत ही मिनिमम और रिवार्ड बहुत अच्छा इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। इस समय 23 रुपए के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। अपने पोर्टफोलियो का 5-7% तो इस स्टॉक में निवेश किया ही जा सकता है, जहां लॉन्ग टर्म टारगेट 100 और शॉर्ट टर्म यानी अगले 3-4 महीने में 40+ का टारगेट जरूर रहेगा। नमस्कार।